हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी सुबह सुबह ही हम दोनों बाहर आ गए सभी क्लीन करने के लिए। अभी वो मनी प्लांट की बेल जो नीचे गिर गई थी उसको निकालने की मदद कर रहे हैं हस्बैंड। उसको क्लीन से उतार के फिर से उसको अरेंज करेंगे करके अभी धीरे से वो उसको निकाल रहे हैं। जल्दबाजी करने से उसके पत्ते टूट सकते हैं, इसलिए वो अभी मुझे ऊपर चढ़ के उसको निकालने नहीं होता था, इसलिए हस्बैंड मदद कर रहे हैं। अभी वो पूरे तरह से निकाल के देने के बाद उन पत्तों को अच्छे से पानी से धो दूंगी क्योंकि बहुत ही धूल भर गई है। अभी निकाल के दे दिया। मैं जो कालीन का बाटल खाली हो गया था उसमें पानी भर के पूरी बेल को पानी से अच्छे से धो रही हूँ। धोने के बाद फिर उसको ठीक से अरेंज कर देंगे। अभी सुबह सुबह ही करवाने से घर में हस्बैंड रहते हैं और बेटा भी रहता है, कोई ना कोई मदद कर देंगे। इसलिए मैं जल्दी चाय पी के तुरंत ही बाहर आ गई। अभी मैं इन सबको पानी से अच्छे से धो रही हूँ। अभी देखिए नीचे पड़ी है वो बेल। अभी उसमें सूखे जो पत्ते थे उन सबको हटा दिया। उन सबको हटाने के बाद थोड़ा सा कीड़ा भी लग गया था सफ़ेद वाला, उसको दवाई भी मार दिया, दवाई भी मार के। अभी देखिए सब कैसा पड़ा हुआ है करके। अभी पूरा को अच्छे से मैं पानी से धो लूँगी। पहले मनी प्लांट को अरेंज करके उसके बाद मैं बाकी काम करूँगी। अभी नीचे तक पड़ी हुई है वो बेल, उसको भी अच्छे से पूरे पत्तों को मैं पानी से धो रही हूँ। धोने के बाद फिर से वो हस्बैंड ऊपर चढ़ के उसको अच्छे से सेट करके दे देंगे। अभी इतनी बड़ी नीचे पड़ी है, देखिए अभी इन सबको अच्छे से मैं पूरा क्लीन कर लूँगी। अभी सेट करने से पहले अच्छे से पत्ते धो लिया तो अच्छा है, नहीं उसके ऊपर पूरी धूल मिट्टी जम गई थी। अभी पूरा हो गया क्लीन करके। अभी देखिए अच्छे से अरेंज करके दे दिया और एक उसके ऊपर से एक लेयर जैसा आ गई तो भूसी जैसा दिखेगा। अभी वो एक ही बेल उतनी दूर तक आई है, धीरे धीरे वो भी आ जाएगी, देख लेंगे। अभी पूरा अरेंज करके हस्बैंड चले गए। अभी मैं इसको पूरा साफ करना है, जो सूखे पत्ते देखिए नीचे कितने इधर कितने पड़े हुए हैं। अभी इसको झाड़ के पानी से अच्छे से धोना है क्योंकि एक हफ्ते से बहुत ही ज़्यादा बारिश था, इसलिए धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा जम गई है। और ये बाहर रखा हुआ एक्वेरियम में देखिए कितना पाची बन गई है पानी। अभी इसको भी अच्छे से मैं धो लूँगी। अभी चप्पलें जूते सब ऐसे ही पड़े हुए हैं देखिए। अभी इन सबको मैं हटा के पूरा तौर से साफ़ कर दूंगी, पानी से अच्छा धोऊंगी। और ये कल शाम में कपड़े धोए हुए थे वो भी सूख गए हैं, इनको भी हटा लूंगी। अभी एक 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 काम मैं शुरू कर लूंगी फ्रेंड्स। अभी इसको अच्छे से धो के हो गया। मैं धो के साफ करके रखी हूँ। अभी इसमें पानी डालूंगी और जाके एक्वेरियम के दुकान से फिश शॉपिंग करके लेके आऊँगी, इसमें डालूंगी। अभी ये भी देखिए बारिश की वजह से इसको रेस्ट पकड़ लिया है। अभी इसको धो के इसको पेंट भी करूँगी मैं, पहले इसको निकाल देती हूँ। इसको धो डालूंगी, धोऊंगी पहले फिर कितना रेस्ट पकड़ा हुआ है कलर करूँगी मैं।
अभी ये बाहर रखे रखे इसको रेस्ट पकड़ लिया। इसको अच्छे से साबुन और नार से अच्छा धो दूँगी। उसके बाद सूखने के बाद इसको पेंट कर दूँगी, जो घर में है वही पेंट करूँगी। थोड़ा रखा हुआ था ऑरेंज कलर का पेंट, उसी को मारूँगी मैं। पहले इसको अच्छे से कितना होगा उतना क्लीन कर लूँगी, उसके बाद मैं सुखा के उसके बाद पेंट मारूँगी। एक 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 पूरा क्लीन कर रही हूँ फ्रेंड्स बाहर। अभी वो सूख गया था, मैं पेंट करके हो गया उसको भी थोड़ा, जहाँ दिख रहा है अभी बैलेंस है करके, उसको सभी टचअप कर रही हूँ मैं। इसको सुखा के फिर कहाँ था वहीं पे रख दूँगी इसको भी मैं। अभी पूरा पेंट करके हो गया, अभी सबको उठा के रख दूँगी और ब्रश को भी धो के रख दूँगी। उसी में रख दिया तो वो सूख जाएगा। अभी मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा धोने का। पहले इन सबको हटा दूँगी। अभी बेटा भी आ गया मदद करने के लिए, क्योंकि ये अकेले से नहीं होगा पानी लाना, उसको वाइपर से पानी ढकलना, सब अकेले नहीं होगा। मैं और मेरा बेटा मिलके ऊपर से पूरी सीढ़ियों को साफ़ कर देंगे करके सोच के आज हम काम कर रहे हैं। अभी हाथों में जो लग गया था पेंट उसको भी मैं धो के साफ़ कर रही हूँ। अभी ऊपर से धो के आ गए। अभी ये वेफर से बेटा ढकल रहा है। पूरी सीढ़ियों में सिर्फ मिट्टी ही है। अभी मैं झाड़ू से पानी लेके पूरा नीचे तक साफ कर रही हूँ। अभी ऊपर से देखिए पूरा साफ करके आ गई। अभी नीचे उनकी सीढ़ी बैलेंस है, अभी उसको भी अच्छे से पूरा पानी से धो देंगे। उसमें वेफर से वो ढकल रहा है पानी, उसके बाद पोछा लेके सूखा पोछ देने से पूरा पाक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी पूरा बाहर पक करके पूरा धो के पोछ के सब हो गया। अभी बस थक गई बारिश के वजह से, सिर्फ कीचड़ कीचड़ कीचड़, चप्पलों में मिट्टी आती रहती है। और मैं इसलिए, एक हफ्ते से बारिश था इसलिए मैं उसको साफ़ नहीं किया। आज कल से धूप आ रही है, अभी मैं पूरा बाहर पक कर दिया। अभी दिखाऊँ कि चलिए आपको कितनी मेहनत करके पहले कितनी धूल मिट्टी जम गई थी, अभी मैं पूरा तरह से साफ़ कर दिया है। अभी थोड़ा देखने में खुशी लग रही है क्योंकि थोड़ी देर बाहर रुक सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अभी बाहर चलते हैं। अभी बाहर आइए, देखिए पूरा साफ़ करके हो गया मेरा। बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई, अभी ऊपर तक पूरा साफ़ करके आई। अभी देखने के लिए थोड़ा अच्छा दिख रहा है। एक ही दिन, दूसरे दिन से फिर से धूल जम जाएगी, क्योंकि हमारा घर रोड के बाजू ही है। धूल मिट्टी तो आते ही रहती है, हमेशा क्लीन करते ही रहना है। अभी सब पाटों में पानी भी डाल दिया, सब कुछ क्लीन कर दिया। और ये खिड़की भी बहुत ही धूल जम गई थी, इसको भी साफ़ कर लिया। देखिए अभी क्लीन हो गया है ये।
अभी देखने के लिए थोड़ा अच्छा दिख रहा है। देखिए नीचे से भी पूरा पूरा साफ करके आ गई मैं। अभी अंदर बाकी का काम है, अभी इतना ही फ्रेंड्स। आज का वीडियो इतना ही है। आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी अंदर चलते हैं, देखिए धूप भी ज़्यादा हो गई। अंदर का काम पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है और अगले वीडियो में आपको मिलूँगी। तब तक के लिए बाय।